दोस्तों, सरल फाइनेंस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सीए हेमंत, और अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के शेयर प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर आप इस पे नजर रखते हैं आने वाले दिनों में, तो हो सकता है आप अच्छा मुनाफा इस स्टॉक से कमा के जा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय से पहले आपके पास में आपको मिल जाए और आप देख पाए और आप उससे फायदा उठा सके। तो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के चार्ट पे हम देखेंगे हमारे को एंट्री किस पॉइंट पे लेना है, हमारा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से, ताकि हर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं जोड़ा गया है। बड़ी आसानी से आप इसको समझ पाएंगे और इसको आप दूसरे स्टॉक्स पे भी रेप्लीकेट कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद में। दोस्तों, आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट सपोर्ट का। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, और हम ज्यादा सीखने के चक्कर में इस बेसिक चीज को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही ट्रेड करेंगे केवल, तो आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो शेयर मार्केट से अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। पर क्योंकि चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाना हमारी आदत हो गई है, हम और ज्यादा सीखने के चक्कर में इस बेसिक और सिंपल चीज को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको नई नई चीजें सीखनी नहीं है, पर जो भी चीजें आप सीखें, अल्टीमेटली उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जरूर लाके टेस्ट करिए। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में आप चीजों को, इंडिकेटर्स को टेस्ट करोगे, तो आपको रिजल्ट जो मिलेंगे वो हमेशा काफी अच्छे मिलेंगे और नुकसान की संभावना काफी कम हो जाएगी। रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा फेवरेबल रहेगा। तो दोस्तों, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का वन डे क्लोज का चार्ट है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे येलो लाइन पे हमने सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई किया है। तो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा के लाइफ चार्ट पे जाके इसको समझते हैं, पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के लाइफ चार्ट पे जाने से पहले सपोर्ट लेवल का कॉन्सेप्ट हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सपोर्ट या सपोर्ट लेवल प्राइस का एक ऐसा लेवल होता है, जिस लेवल पे प्राइस अगर आता है तो उसका फर्दर नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। जो लोग शेयर मार्केट में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनको ऐसा लगता है इस लेवल पे जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो काफी रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, और जनरली सपोर्ट लेवल पे बहुत सारे बायर्स इकट्ठा एक टाइम पे आ जाते हैं। इस डिमांड सप्लाई के कारण प्राइस का जो लेवल है वो फर्दर नहीं गिरता है। इसीलिए नहीं गिरता है क्योंकि उस लेवल पे लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है और इस प्राइस पे हमें इसको खरीद लेना चाहिए। तो बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं उस पर्टिकुलर लेवल पे, और बहुत सारे बायर्स आने के कारण एक रिबाउंड आता है प्राइस में, और प्राइस अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइस नीचे बिल्कुल नहीं आ सकता है, बस उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है नीचे आने की। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी शेयर प्राइस के मूवमेंट की बात करें, तो हमें पता है कभी भी प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। प्राइस कभी भी इस तरह से मूव नहीं करता है, प्राइस हमेशा एक जिगजैग फॉर्मेशन में मूव करता है, और वो इस तरह से आप देखेंगे प्राइस मूव करता है, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये इस तरह से मूव करेगा। तो इस तरह से प्राइस की मूवमेंट रहती है, हमेशा जिगजैग फॉर्म में प्राइस मूव करता है। तो जिस लेवल पे आप देखेंगे कि प्राइस एक बार पहुंचता है और उस लेवल से रिवाउंड करता है, और बार बार प्राइस ऐसा कर रहा है, जैसा कि इस पर्टिकुलर चार्ट में हम देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस आता है और यहाँ से रिवाउंड करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस आता है और यहाँ से रिवाउंड करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस आता है और ऊपर की तरफ रिवाउंड करता है। तो ऐसा अगर कई बार हो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो हमारे को उस पर्टिकुलर शेयर का सपोर्ट लेवल मिल जाता है। सपोर्ट लेवल कोई जरूरी नहीं है हमेशा स्ट्रेट हो, कई बार सपोर्ट लेवल आप इंक्लाइंड भी बना सकते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में अप ट्रेंड में ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस आता है और रिवाउंड करता है, यहाँ आता है प्राइस और ऊपर के तरफ रिवाउंड करता है, तो ये अप ट्रेंड में सपोर्ट
हमने बना दिया, सपोर्ट लेवल बना दिया, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी आप सपोर्ट लेवल बना सकते हो इस तरह से। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ के देखना चाहें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप बाजार में आम खरीदने जाते हो और आम आपको 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो आपको लगता है कि अभी 100 रुपए काफी महंगा है और मैं अभी वेट करूंगा और 100 रुपए पे अभी आम नहीं खरीदूंगा। तो आप वेट करते हो प्राइस के गिरने का, और जब प्राइस गिर के 50 रुपए पे आ जाता है उस टाइम पे आपको लगता है कि अब आम की जो वैल्यू है वो एकदम रीजनेबल है, और आपको ऐसा लगता है कि अब इससे ज्यादा नीचे आम का प्राइस नहीं जाएगा इस सीजन में, तो आप 50 रुपए पे आम खरीदने लगते हो। और इसी तरह की सोच काफी ऐसे लोगों की रहती है विथ एक्सपीरियंस, उनको ऐसा लगता है कि 50 रुपए एक रीजनेबल प्राइस है, तो काफी लोग आके आम खरीदने लगते हैं 50 रुपए पे। तो 50 रुपए का जो प्राइस है वो आम का सपोर्ट की तरह काम करता है, सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है। तो जब भी आम का दाम 50 रुपए पे आएगा लोग उसे बहुत खरीदेंगे, बहुत ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे। तो इस तरह से दोस्तों डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल काम करते हैं। सपोर्ट लेवल के साथ में दोस्तों आपको रेजिस्टेंस लेवल का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जिस तरह सपोर्ट लेवल पे काफी सारे लोग आके उस पर्टिकुलर स्टॉक को या शेयर को परचेज करते हैं, ठीक उसी तरह रेजिस्टेंस लेवल पे लोगों को ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस अब काफी ज्यादा ऊपर की तरफ में आ गया है और हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हमारे पास जितना भी सामान है, माल है, शेयर है, स्टॉक है, वो हमें इस पर्टिकुलर प्राइस पे निकाल देना चाहिए। तो जनरली काफी सारे लोग उस लेवल पे प्रॉफिट बुक करते हैं या अपना सामान बेचने लगते हैं, जिस कारण से उस पर्टिकुलर लेवल पे जब भी स्टॉक प्राइस आता है तो बिकवाली के कारण उसका प्राइस फिर फर्दर नीचे आने लगता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे हम अपना रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे ही प्राइस आता है यहाँ से प्राइस फिर नीचे आने लगता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे जैसे ही प्राइस आता है प्राइस फिर नीचे आने लगता है। फ्यूचर में हो सकता है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस तोड़ दे और प्राइस तोड़ के ऊपर के तरफ में चला जाए, इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, और प्राइस अब एक नया हाई बनाएगी, एक नया रेजिस्टेंस पे जाएगी और पहले वाला रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो सपोर्ट में तब्दील हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के लाइव चार्ट पे समझते हैं और देखते हैं क्या फॉर्मेशन हो रही है प्राइस की वहां पे, किस तरह से हम अपना सपोर्ट बना सकते हैं और कहाँ तक प्राइस एक्सपेक्टेड है जाने का, हम कहाँ पे अपना टारगेट रख सकते हैं। तो दोस्तों ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का लाइव चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे, और इस चार्ट की प्लॉटिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पे हुई है। एक दिन के क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे ये चार्ट प्लॉट हुआ है, और अगर हम इसके रीसेंट प्राइस के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का सपोर्ट लेवल देखना चाहें तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी प्राइस आता है तो प्राइस यहाँ से रिबाउंड होता है। तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। सपोर्ट लेवल कभी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होगा बल्कि एक रेंज होगा। तो प्राइस के एक रेंज के अंदर में जब भी आपको लगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस आ गया है तो आपको उस पॉइंट पे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। आपको उसके बाद में जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका सपोर्ट लेवल पे पहुंच गया है प्राइस, तो आपको एक ट्रेंड लाइन बनाना है, और उस ट्रेंड लाइन को बनाने के बाद में जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तब आपको अपना पोजीशन लेना होता है। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम ये सिलेक्शन कर लिया हमने, और हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम कैंडल के टॉप को जोड़ने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा ट्रेंड लाइन किस तरह से बन रहा है। तो देखेंगे दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन बन गया है। अब इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जब भी प्राइस ब्रेक करेगा और पॉजिटिव होगा, यानी कि प्राइस जब भी आपका इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर के तरफ में निकलेगा उस पॉइंट पे आपको एंट्री लेना है, और आपका जो टारगेट होगा वो अगले रेजिस्टेंस लेवल पे आपका पहला टारगेट हो सकता है। और अगर ऊपर के तरफ में 2-3 रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं तो टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 करके आप अपने टारगेट रख सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर चार्ट में हम पहला टारगेट अपना इस पॉइंट पे रख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पीछे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ गया है। तो जब भी अगर ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक होगा तो पहला टारगेट आप बहुत आसानी से यहाँ पे रख सकते हो, दूसरा टारगेट आप इस पॉइंट पे रख सकते हो, और फर्दर अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के स्टॉक में और एक नया हाई बनेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के स्टॉक में। स्टॉप लॉस की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों कि जिस पॉइंट पे आप एंटर करोगे उस पॉइंट के नीचे, यानी कि जो सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे आपको अपना
स्टॉप लॉस लगा के रखना है और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि स्टॉक प्राइस हमेशा सपोर्ट लेवल पे आके ऊपर की तरफ ही जाएगा। कई बार सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाते हैं और प्राइस फर्दर नीचे को जाने लगता है, तो जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट लेवल है आपका वो रेजिस्टेंस में बदल जाएगा और पुराना जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो सपोर्ट में तब्दील हो जाएगा।